तुहाड़ा इलैक्ट्रिकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साड़ी आज दी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली दियाँ किस्मां कि बिजली किन्ने तरह की होंदी है। ये टॉपिक ट्रेड इलैक्ट्रिशन फस्ट ईयर चैप्टर तीसरे का टॉपिक हैगा। इस तो पहली वीडियो यानी कि 3.1 दे विच असी जानिया सी कि बिजली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है और इस दे विच कम करन दी समर्था है। इस दी सहायता दे नाल असी बहुत सारे काम कर सकते हैं और इसनू देखिया नहीं जा सकता, लेकिन इस दे वख-वख प्रभाव ने जिस तो बिजली दी होंद दा पता चलता हैगा, उस दी प्रेजेंस दा पता चलता हैगा। सो अज दी वीडियो दे विच असी जानांगे बिजली दीआं किस्मां यानी कि टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। बिजली मुख रूप में दो तरह की होंदी है। बिजली दीआं दो मुख किस्मां ने, यानी कि पहला ही स्थिर बिजली यानी कि स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी और दूसरा गतिशील बिजली यानी कि करंट इलैक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी भावें मुख रूप में दो तरह की दर्शाई गई है, स्थिर बिजली ते गतिशील बिजली, लेकिन इसनों प्राप्त करन दे वख-वख ढंग ने, चाहे वह फ्रिक्शन होवे, मैगनैटिक फैक्टर जां कैमिकल और चाहे हीट इफेक्ट जां प्रेशर दे द्वारा। सो अलग अलग ढंग दे नाल जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त होंदी है वो इस वीडियो दे विच असी जाणांगे। सो पहले असी स्थिर बिजली यानी कि स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी बारे गल करांगे। इस बिजली नूं रगड़ बिजली यानी कि फ्रिक्शन इलैक्ट्रिसिटी भी किया जाता है। इस बिजली नूं एक थां तो दूसरी थां ते नहीं लिजाया जा सकता, इसे करके ही इसनों स्थिर बिजली यानी कि स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी किया जाता हैगा। ये चार्ज के रूप में हुंदी है और इसनों ज़्यादा मात्रा में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जदों असी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जिवें कच की रॉड नूं फर दे उपर रगड़िया जाता, तो इस दे विच एक वस्तु तो दूसरी वस्तु दे विच इलैक्ट्रॉन हीट के द्वारा वो मूव करते हैं, तो जिस दे कोल इलैक्ट्रॉन वध चले जाते हैं तो वह नैगेटिव चार्ज और दूसरे कोल जिस कोल नैगेटिव घट गए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह चार्ज के रूप में स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर बिजली प्राप्त होती है। और यह इलैक्ट्रिसिटी जिस स्थान के उपर प्राप्त हुई है उस जगह पर स्पार्क के रूप में खत्म हो जाती है और यह कोई वरतों के आने वाली इलैक्ट्रिसिटी नहीं। इस करके इसनों ना तो असी दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, जिस दे कारण इसनों स्थिर बिजली या स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी का नाम दिता गया है। इस तो पहला जिवें स्थिर बिजली बारे दस्या सी कि वह फ्रिक्शन द्वारा प्राप्त होंदी है, रगड़ के द्वारा प्राप्त होंदी है, तो इस पिक्चर के दिखाया गया नंबर वन दे विच जिहड़ी ग्लास की रॉड है, कच की रॉड है, उसनों फर के उपर दिखाया गया। इस समय फर और कच की रॉड दोनों उपर चार्ज बराबर है, यानी कि दोनों के जिहड़े नैगेटिव और पॉजिटिव बराबर ने। और सैकेंड पॉइंट के विच जदों इसनों रगड़िया जाता, ग्लास की रॉड नूं फर के उपर रगड़िया जाता, तो फ्रिक्शन के द्वारा हीट पैदा होंदी है और हीट के कारण फर के विचों इलैक्ट्रॉन मूव करके जिहड़े ग्लास की ट्यूब के उपर रॉड के उपर आ जाते हैं। तो इस तरह जिहड़ी ग्लास रॉड हैगी है उस कोल नैगेटिव ज़्यादा हो गए, इलैक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इस दे कारण ये नैगेटिवली चार्ज होगी और जिहड़ी फर हैगी है उस कोल इलैक्ट्रॉन घट गए और वह पॉजिटिवली चार्ज होगी। इस तरह दो वस्तुआं ये चार्ज हो गई, एक नैगेटिव और दूसरी पॉजिटिव, और इस चार्ज नूं असी इसे जगह पर ही स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी कह दिंदे आ, स्थिर बिजली कह दिंदे आ। इस तरह कच की जिहड़ी रॉड है वह नैगेटिवली चार्ज और जिहड़ी फर है पॉजिटिवली चार्ज नूं जदों हटाया जाता तो ये दोनों की है स्पार्क के रूप में इतने ही जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी चार्ज हुई सी वो इस जगह पर ही खत्म हो जाती है। सो इसनों असी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते और इस करके इसनों स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर बिजली का नाम दिता गया है। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने जिहड़े एक्सपैरिमेंट सीगे स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी के उपर उस तो जिहड़े रिजल्ट कढ़े सीगे उस दे विच उसने जिहड़ा दिखाया कि जिहड़े वख-वख चार्ज ने यानी कि पॉजिटिव नैगेटिव जां नैगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे नूं खिंचदे आ, अट्रैक्ट करदे आ, और नाल ही जिहड़े सेम चार्ज ने इक्को जिहे चार्ज ने चाहे वह दोनों नैगेटिव ने जां दोनों पॉजिटिव ने वो एक दूसरे नूं रिपेल करदे आ, धक्कदे हैगे आ। लास्ट स्लाइड दे विच जो दस्या गया कि जिहड़े अलग चार्ज ने यानी कि अनलाइक चार्ज ने, अलग अलग चार्ज ने, जिस तरह उपर दिखाया गया पॉजिटिव और नैगेटिव, ये एक दूसरे नूं खिंचदे हैगे आ, वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नीचे वाली साइड दिखाया सेम जिहड़े ने चार्ज यानी कि लाइक चार्ज ने चाहे वह दोनों पॉजिटिव ने या दोनों नैगेटिव ने वो एक दूसरे नूं धक्कदे हैगे आ और रिपेल करते हैं। स्थिर बिजली तो बाद असी गतिशील बिजली बारे गल करांगे, जिसनों करंट इलैक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलैक्ट्रिसिटी भी किया जाता है। गतिशील बिजली का अर्थ है
के भाव यह है कि वह बिजली जिसनों एक स्थान तो दूसरे स्थान पर वायर ज केबल की मदद नाल आसानी नाल लिजाया जा सकता है, एक स्थान तो दूसरे स्थान पर आसानी नाल असी लिजा सकते हैं। इसनों करंट इलैक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। जदों अजिही बिजली चालकां यानी कि कंडक्टर की गति नाल अर्थात घूमन नाल पैदा होंदी है तो उसनों डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF या डायनामिक इलैक्ट्रिसिटी कहिंदे आ, जिहड़ा कि असी अल्टरनेटर या डायनमो दे विच यूज़ करते हैं। ये प्रोसैस इस विधि नाल बहुत सारी जिहड़ी मात्रा दे विच असी बिजली प्राप्त कर सकते हैं और इस करंट इलैक्ट्रिसिटी नूं प्राप्त करन दीआं बहुत सारीआं विधियां ने जिहड़ीआं कि असी अगे जाणांगे इस वीडियो दे विच। गतिशील बिजली यानी कि करंट इलैक्ट्रिसिटी नूं प्राप्त करन दे जिहड़े अलग अलग प्रोसैस ने उहनां नूं जानन तों पहलां असीं इह जाण लईए कि गतिशील बिजली नूं वी अगे दो भागां दे विच वंडिया जांदा, AC और DC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट। जिवें असीं पहलां पढ़िया कि बिजली जिहड़ी है उस नूं दो भागां विच वंडिया जांदा, स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी और करंट इलैक्ट्रिसिटी जां गतिशील बिजली, और गतिशील बिजली नूं फिर दो भागों में वंडिया जाता AC और DC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट। AC मीनस अल्टरनेटिंग करंट वो करंट जिहड़ा कि दित्ते समय दे विच अपनी दिशा और वैल्यू दोनों चीज़ां चेंज करता हैगा, उसकी दिशा ते वैल्यू उसनों असीं अल्टरनेटिंग करंट कहने। DC तो भाव डायरैक्ट करंट जिहड़ा कि दिते गए समय दे विच ना तो अपनी वैल्यू चेंज करता है ना ही वो अपनी दिशा चेंज करता है, इस करके इसनों DC करंट कहा जाता है। AC सप्लाई सानू अल्टरनेटर तो प्राप्त होंदी है, जदों के DC सप्लाई जिहड़ी सैल बैटरी जां डायनमो DC जनरेटर जां सोलर पैनल दे द्वारा जिहड़ी सप्लाई सानू प्राप्त होंदी है वह DC सप्लाई की कैटागरी दे विच आउंदी हैगी है। गतिशील बिजली नूं प्राप्त करन दा जिहड़ा सब तो लार्ज स्केल ते जिहड़ा ढंग हैगा वह हैगा मैगनैटिक इफेक्ट। सो मैगनैटिक इफेक्ट दे अकॉर्डिंग जिहड़ा फैराडे ला अप्लाई हुंदा है कि जदों कोई कंडक्टर चुंबकी बल रेखावां नूं कटदा है जां चुंबकी बल रेखावां कंडक्टर नूं कटदियां ने तां कंडक्टर दे अंदर EMF यानी कि इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है और इस दे द्वारा ही साडी जिहड़ी लार्ज स्केल ते इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त होंदी है, जिहड़ी गतिशील बिजली प्राप्त होंदी है। और इस नूं प्राप्त करन दे लई जिहड़ा हैगा एक कंडक्टर मैगनैटिक लाइनस ऑफ फोर्स और उसनों घुमाउण वाला दोनों विचों किसी भी घुमाउण वाला जिहड़ा एक ढंग होना चाहिए, चाहे वह कंडक्टर नूं घुमावे जां मैगनैटिक लाइन नूं घुमावे, तो तीन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है और इस मैगनैटिक इफेक्ट के नाल जिहड़ी असीं करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। इस पिक्चर दे विच भी दिखाया गया कि नॉर्थ और साउथ पोल दे विच जिहड़ियां मैगनैटिक लाइन ने नॉर्थ टू साउथ चल रही ने और इस दे विच जिहड़ा कंडक्टर नूं घुमाया गया और उसके स्लिपरिंग तो जिहड़ा कार्बन ब्रश के द्वारा जिहड़ी इंड्यूस EMF हैगी आ उसनों प्राप्त किया गया। सो ये मैगनैटिक इफेक्ट के द्वारा जिहड़ी करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करन दा ढंग हैगा। सैकेंड जिहड़ा प्रोसैस हैगा करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करन दा वो कैमिकल इफेक्ट यानी कि रसायनिक प्रभाव के द्वारा भी जिहड़ी करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। इस दे विच जिन्ने भी तरह के सैल जां बैटरीज़ ने उन्हां दे विच जिहड़ा रसायनिक प्रभाव के नाल जिहड़ा करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है और स्टोर की जाती है और इस ही प्रोसैस के नाल जिहड़ा इस दे विच इलैक्ट्रोलाइट दे विच आयोनाइजेशन दी जिहड़ा प्रोसैस है उसके द्वारा इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, लेकिन इस दे विच जिहड़ी हाई वोल्टेज पैदा करनी बहुत मुश्किल है और इस करके जिहड़े कुछ साडे ऑटोमोबाइल दे विच जां इलैक्ट्रॉनिक्स जां टैलीफोन एक्सचेंज जां कुछ खास काम ने जिन्हां दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी दी जरूरत पैंदी है उन्हां जगह ते जिहड़ा कैमिकल इफेक्ट दे द्वारा जिहड़ी सप्लाई प्राप्त की जाती है। इस कैमिकल इफेक्ट के द्वारा जिहड़ी करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त होंदी है इसनों DC सप्लाई की कैटागरी दे विच गिनिया जाता है, DC सप्लाई की कैटागरी दे विच यह वाला इफेक्ट आता है। नैक्सट जिहड़ा प्रोसैस हैगा करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करन दा वह हैगा हीटिंग इफेक्ट। इस दे विच जिहड़ियां दो अलग अलग जिहड़ियां मैटल ने उन्हां दे जंक्शन नूं हीट दित्ती जाती है और इस दे द्वारा ही जिहड़ी करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। इस प्रोसैस नूं थर्मोकपल जिहड़ा मैथड भी कहा जाता है। इस दे विच बहुत थोड़ी मात्रा दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त होंदी है इसनों असीं जिहड़ा कमर्शियल तौर पर नहीं वरत सकते, इन्ना संभव नहीं हैगा, तो इस प्रोसैस नूं थर्मोकपल जिहड़ी विधि दे द्वारा दर्शाया गया हैगा। नैक्सट जिहड़ा प्रोसैस है करंट इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करन दा वो प्रकाश दे इफेक्ट द्वारा यानी कि लाइटिंग इफेक्ट दे द्वारा
एक फोटो इलैक्ट्रिक सैल एक अजिहा यंत्र है जदों उस दे उपर जिहड़ियां सूरज दीआं किरणां पैंदियां तां इह सूरज दा जिहड़ा प्रकाश है इह चार्ज दे रूप विच प्लेटां तों जिहड़ा ऑबजर्व करदा है और जिस तों सानूं की है जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त हुंदी है और वह इलैक्ट्रिसिटी नैक्सट असीं जिहड़ियां लैड एसिड बैटरीज़ ने उहनां दे विच असीं चार्ज करदे हां और दैन असीं उस तों जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लैंदे हां। इसनों असीं सोलर सैल जां असीं सोलर पैनल लगा के भी जिहड़ा प्राप्त करन दा प्रोसैस हैगा जिहड़ा लार्ज स्केल ते इलैक्ट्रिसिटी प्राप्त करन दा हैगा। नैक्सट जिहड़ा प्रोसैस हैगा उह हैगा पीएजो इफैक्ट। इस इफैक्ट दे विच जदों क्रिस्टल मटीरियल नूं प्रैशर दिता जाए तां जिहड़ा क्रिस्टल मटीरियल आ उसके अंदर इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी आ उह प्रोड्यूस हो जाती है। तां जिस तरह इत्थे दिखाया गया कि प्लेट दे उपर जदों प्रैशर पाया जांदा तां जिहड़ा प्लेट दे विच टेढ़ापन आ जाएगा बेंट हो जाएगी तां उस दे विच जिहड़े पॉजिटिव आयनस अते नैगेटिव आयनस है उह अलग अलग हो जाते हैं तां जिस दे कारण उस दे विच जिहड़ी आ इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुंदी है। इस तरह की जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी है वह असीं आम यूज करते हैं देखते हैं गैस लाइटर दे विच इस तरह के इफैक्ट के द्वारा जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी प्रोड्यूस की जाती है। सो उम्मीद करते हैं तुहानू इस वीडियो तो बहुत सारी जानकारी मिली होगी और जिहड़े साथियों ने इस चैनल पर हाले तक सबसक्राइब नहीं किया इस चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लैन ताकि तुहाडे तक सिलेबस के अकॉर्डिंग नवी वीडियो का लिंक पहुँचता रहे और वीडियो लास्ट तक वेखन लई थैंक यू वेरी मच।